कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, सभी रंगों को यूज़ करना चाहिए, स्पेशली हम उन कलर्स की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको यूज़ करते हैं वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, सिर्फ स्टिक करेंगे कि ये कलर इस जगह का, ये कलर इस जगह का, तब हमारा काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक ही घर में चार लोग, और अगर हम कहें कि नहीं ये हम कलर यहाँ कर रहे हैं, दूसरा कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से फील नहीं आ रहा, तो वो कलर की जो हमारी एनर्जी है मैच नहीं करेगी। ऐसे ही एक कंबाइंड अप्रोच को मैं लेकर के चलता हूँ जो अपने कलर्स के थेरेपी में मैं यूज़ करता हूँ। रेड कलर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। रेड कलर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कहते हैं बस अब थक गए हैं, आज मार्केट नहीं जाना, आज काम पे जाने का दिल नहीं है। हर हफ्ते उनकी यही कंप्लेन रहती है, थकावट रहती है, डिप्रेशन रहता है, लो फीलिंग्स रहती हैं, एंग्जाइटी रहती है, कॉमन है ये सब चीज़ें। टेंशन्स के साथ साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, टेंशन और डिप्रेशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब हम डिप्रेशन के मोड में जाने लगते हैं। तो आपको रेड कलर तभी चाहिए जब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनेस और एकदम अकेला फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है, फटीग बहुत ज़्यादा है। लाल रंग को अपने नज़दीक लेकर के आइए, कपड़ों में लेकर के आ सकते हैं, फ्लावर्स में लेकर के आ सकते हैं, अपहल्स्टरी में ला सकते हैं, डेकोरेटिव पीसेस में ला सकते हैं। लाल रंग आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, एनर्जी को भर देता है। यूज़ ज़रूर करके देखिए एक बारी आप मेरे कहने पर। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि साउथ की दीवार बेडरूम की नहीं करनी है, लिविंग रूम में या कोई भी ऐसी जगह, साउथ की दीवार पर अगर प्योर रेड कलर करते हैं, टमेटो रेड कलर, ब्लड रेड कलर, ये कलर्स बहुत ही एनर्जी लिए हुए होते हैं, फायरी होते हैं, तो आपको लॉन्जिविटी मिलती है, यानी कि बीमारियां दूर हो जाती हैं, उम्र अच्छी हो जाती है, जितनी उम्र होती है उसमें हेल्दी रहते हैं आप, और उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खा पी सकते हैं आप। तो साउथ की दीवार पर रेड कलर करवाना बहुत ऑस्पिशियस होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो लोग फर्स्ट, टेंथ और 28th को बॉर्न हैं, उनके लिए भी रेड कलर बहुत ऑस्पिशियस है। अगर आप फर्स्ट, टेंथ और 8th को बॉर्न हैं, तो कुमकुम का तिलक लगाना शुरू करें, रेड कलर का पॉकेट स्क्वायर रखना शुरू करें, हैंकी रखना शुरू करें, कुछ भी रखें रेड कलर में अगर आप रखेंगे तो आपको लक और प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। स्पेशल उपाय मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। फोर्थ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान शिव उमापति, उनको अगर आप सिंदूर अर्पित करते हैं, रोली अर्पित करते हैं, रोली मिश्रित जल अर्पित करते हैं, जल में जैसे उनको जल अर्पित किया जाता है, थोड़ी सी रोली अगर आप डाल देते हैं और उनके ऊपर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपको जीवन में बहुत मान सम्मान मिलेगा, ऊंचा ओहदा मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो तरक्की जल्दी होगी, अगर प्राइवेट में हैं तो रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिलेगी, और लीडर हैं अगर आप, पॉलिटिशियन हैं अगर, और अभिनेता भी हैं तो मान सम्मान बहुत मिलेगा। किसी भी तरीके से पब्लिक सेक्टर में हैं या पब्लिक के सामने आते हैं, तो यह उपाय आपको ज़रूर करना है। एक उपाय में सेफ्टी के लिए भी पांचवा आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आपके आसपास में कोई भी प्रेग्नेंट है, तो उनको कहिए कि लाल रंग अपने आसपास यूज नहीं करना है। बेड पे जो लिनन है उनका, वो प्योर रेड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रेड क्लोथ्स, शार्प फायरी रेड कलर्स उनके आसपास नहीं होने चाहिए। ऐसा करना आपके लिए सेहतमंद रहेगा, हितकर रहेगा। अब बात करते हैं ऐसे उपाय की जो अच्छा, सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि मेरा स्पेशल होता है। आप रेड कलर कुमकुम के रूप में लीजिए, उसमें सरसों का तेल मिलाइए, एक तिलक बन जाएगा। साउथ की दीवार पर उसको लगा दीजिए। अगर एक्सटीरियर साउथ है आपका, आपके घर की फेसिंग साउथ है, जो कि आप हमेशा घबराते हैं कि साउथ की दीवार है, हमारा वास्तु ठीक नहीं है,
दिमाग पे जोर नहीं डालना, बहुत तिलक किसी भी दिन लगा देना है, डेली लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। साउथ की दीवार 45 हो जाएगी, साउथ की दिशा 45 हो जाएगी। सरसों के तेल में कुमकुम मिला करके साउथ पे आपने तिलक करना है। बने रहिए आप मेरे साथ, और मैं यही चाहता हूँ कि हम लाइव वास्तु अपने जीवन में लेकर के आए और ग्रो करें। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.